हेलो नमस्कार दोस्तों, टैक्स चैंपियन गेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों गूगल फोटोज एप्लीकेशन तो आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर यूज करते ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल फोटोज एप्लीकेशन की 10 ऐसी खूबियां राज के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल फोटोज एप्लीकेशन का यूज करते हैं, आपको इन सेटिंग्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इन फीचर्स को देखने के बाद आप गूगल फोटोज एप्लीकेशन की मदद से बहुत कुछ नए काम कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना है और उससे पहले एक काम जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं गूगल फोटोज एप्लीकेशन के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट हैक्स। ठीक है, तो एक भी हैक्स को नहीं छोड़ना है, सभी हैक्स को ध्यान से समझना है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले जो बताने वाला हूं, सबसे पहले वाली ट्रिक के बारे में। ठीक है, आपको दोस्तों अपने गूगल फोटोज एप्लीकेशन को यहां पर ओपन कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आप अपने गूगल फोटोज एप्लीकेशन की मदद से अपने डिलीट हुए फोटो को भी वापस ला सकते हैं। वो कैसे करना है देखो ध्यान से। दोस्तों जैसे कोई आपने कोई गैलरी के अंदर कोई अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो डाल रखा है, ठीक है, वो दोस्तों आपसे धोखे से डिलीट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, आपने वो फोटो यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब दोस्तों आप सभी के मोबाइल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन रहती है जिसका नाम है गूगल फोटोज एप्लीकेशन। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, गूगल फोटोज एप्लीकेशन के अंदर जाना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो जो फोटो है ना, वो जो आपने गैलरी के अंदर फोटो डिलीट किया है, वो दोस्तों आप यहां से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक के लिए लाइक जरूर कर देना। दोस्तों यहां पर आना है आपको लाइब्रेरी के ऑप्शन पे, और यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बिन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर वो फोटो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको कैसे करना है, गूगल फोटोज एप्लीकेशन की मदद से आप उसको गैलरी के अंदर वापस मंगा सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है, यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिस्टोर का। अब दोस्तों जो ये फोटो है ना, वापस आपकी गैलरी के अंदर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो फोटो है दोस्तों फिर से आपकी गैलरी के अंदर आ जाएगा। दोस्तों ये थी सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक गूगल फोटोज एप्लीकेशन की। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड नंबर की ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक का काम क्या है, दोस्तों जो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर गैलरी के अंदर फोटो खींचते हैं, ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इन सभी फोटो का बैकअप मेरी ईमेल आईडी पर बनता रहे, ठीक है दोस्तों, जब भी आप इन फोटो को कभी डिलीट हो जाए, आपका मोबाइल फोन कभी खराब हो जाएगा ना दोस्तों, उन सभी फोटो को सिर्फ आप अपनी ईमेल आईडी डालकर उनको रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ आपको दोस्तों अपनी गूगल फोटोज एप्लीकेशन के अंदर एक सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जितने आप गैलरी के अंदर फोटो खींचेंगे ना दोस्तों, गूगल फोटोज में अपना बैकअप बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, आपको बैक आना है, गूगल फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आना है, अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने मिला फोटो सेटिंग का। अब आपको दोस्तों क्या काम करना है, अपने गूगल फोटोज ऐप का जो बैकअप है ना वो ऑन करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों इस बैकअप को यहाँ से ऑन कर लेना है। अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि जो आपका मोबाइल फोन का डाटा है वो भी खर्च ना हो और आपके जितने फोटो गैलरी के हैं वो भी बैकअप बन जाए, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक कुछ सेटिंग कर लेनी है। दोस्तों जो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सअप यूज करते हैं, ठीक है, जितने भी आप ऐप यूज करते हैं ना, यदि आप चाहते हैं उन सभी ऐप के जितने फोटो वीडियो आते हैं आपके पास व्हाट्सअप के अंदर ग्रुप के अंदर, वो भी आप चाहते हैं कि बैकअप बन जाए, तो वो दोस्तों आपके इसी सेटिंग से होने वाला है। ठीक है, आपको दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकअप क्वालिटी। अब यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आप दोस्तों जितने आपके फोटो बैकअप बनाना चाहते हैं, दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप अपने 10 साल पुराने 20 साल पुराने फोटो को भी ना रिस्टोर कर सकते हैं, वापस मंगा सकते हैं डिलीट हुए फोटो को। तो आपको करना क्या है, यदि आप चाहते हैं उन फोटो को भी मंगाना, ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पर बैकअप क्वालिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने मिलेगा स्टोरेज सेवर का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब सेलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों क्या होगा, आपके जितने फोटो है ना, आपका डाटा भी खर्च नहीं होगा और दोस्तों आपके फोटो भी वापस आ जाएंगे। अब यदि दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर 1 GB इंटरनेट आता है, 1.5 GB इंटरनेट आता है, यदि आप चाहते हैं कि मेरे मोबाइल फोन का सारा डाटा एकदम खत्म ना हो, तो आपको दोस्तों मोबाइल डाटा यूसेज पर आना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5 MB सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 MB सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास दोस्तों डाटा अनलिमिटेड है ना, तो आपको दोस्तों इसको अनलिमिटेड कर देना है। फिर तो दोस्तों आपके जितने डिलीट हुए फोटो भी वापस आ जाएंगे और जितने फोटो गैलरी के अंदर है वो भी बैकअप बन जाएंगे। यदि आप चाहते हैं ना दोस्तों आपके मोबाइल फोन की जितनी वीडियो है डिलीट हुई वीडियो, ठीक है, उनको वापस मंगाना चाहते हैं, तो इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, वो भी दोस्तों बैकअप में बन जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकअप डिवाइस फोल्डर। ठीक है, अब दोस्तों जो आपके मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सअप का दोस्तों ग्रुप है या कुछ भी है, तो वहां पर दोस्तों जितने फोल्डर होंगे ना उनके सभी फोल्डर आ रहे होंगे आपको। आपको क्या काम करना है, इनको ऑन कर लेना है सभी फोल्डर को, और मैं फोल्डर के भी जितने भी दोस्तों फोटो वीडियो होंगे वो भी वापस आ जाएंगे आपकी ईमेल आईडी पर।
ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही कर लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बैक आना है। दोस्तों ये सेकंड नंबर की ट्रिक थी, इसको एक बार अप्लाई जरूर कर लेना अपनी गूगल फोटोज एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, आपको दोस्तों क्या ध्यान में रखना है, जो ये ईमेल आईडी है ना, इस ईमेल आईडी को आपको नए मोबाइल फोन के अंदर डाल लेना है और इस बैकअप को यहाँ से इस तरीके से ऑन कर लेना है। अब जितने भी फोटो होंगे ना गैलरी के, वो सभी फोटो आपकी गूगल फोटोज एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड नंबर के ट्रिक। अब दोस्तों इस ट्रिक का काम क्या है, दोस्तों आप देखते होंगे आपके गूगल फोटोज एप्लीकेशन के अंदर कभी बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होता है, आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी है ना, वो दोस्तों एकदम से यहाँ पर डाउन हो जाती है। ठीक है, आपको दोस्तों क्या काम करना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आना है। नोटिफिकेशन पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है ना नोटिफिकेशन के, इन सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पर बंद कर देना है। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होगा, आप भी परेशान नहीं होंगे और आपके जितने भी बैटरी खर्च हो रही थी वो दोस्तों कम होने लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रिक के लिए भी लाइक जरूर कर देना। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड नंबर के ट्रिक। अब दोस्तों इस ट्रिक का काम क्या है, दोस्तों आप देखते होंगे जब भी आप अपने गूगल फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करते होंगे, दोस्तों ये वीडियो होती है ना आपकी, ठीक है, वो दोस्तों बैकग्राउंड में चलती रहती है, जिससे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखते रहोगे आप, दोस्तों ये बैकग्राउंड में चल रही है। अब दोस्तों इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन की बैटरी भी खर्च होगी, इंटरनेट भी खर्च होगा। आपको दोस्तों क्या काम करना है, अपने गूगल फोटोज एप्लीकेशन के अंदर एक सेटिंग करनी है। आपको यहाँ पर आना है, फोटो सेटिंग पर आना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने मिला प्रीफ्रेंसेस का, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिला फोटो ग्रिड प्लेबैक। ठीक है, अब दोस्तों इनको आपको यहाँ पर इस सेटिंग को यहाँ से ऑफ कर देना है। अब दोस्तों जो भी आपके यहाँ पर फोटो थे ऑटोमेटिक चल रहे थे, वीडियो थी, ठीक है, वो दोस्तों चलनी बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका इंटरनेट कम खर्च होगा और बैटरी भी। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रिक के लिए भी लाइक जरूर कर देना। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड नंबर की ट्रिक। अब दोस्तों इस ट्रिक का काम क्या है, दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप अपने जितने भी फोटो है ना, उनको दोस्तों सिर्फ ग्रुप फोटो में बनाकर सेव करके रख सकते हैं। वो दोस्तों कैसे करना है, दोस्तों जैसे कोई आपके घर में फैमिली के अंदर कोई बच्चा है और वो दोस्तों फोटो खींचता रहता है अपने गैलरी के अंदर, दोस्तों यदि आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे, या आप दोस्तों कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ठीक है, दोस्तों उनका सभी का एक ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप के अंदर आपके जितने भी फोटो आप जहां पर गए हैं ना, उसी हिसाब के फोटो उस ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ एक सेटिंग को ऑन करना है। आपको दोस्तों क्या काम करना है, यहीं पर आना है प्रोफाइल पर, फोटो सेटिंग पर आना है। ठीक है, इस पर प्रिफ्रेंस, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर दो सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी आपको, दोस्तों स्टैक सिमिलर फोटोज, ग्रुप सिमिलर फोटोज। ठीक है, अब दोस्तों इस फीचर को ऑन करने के बाद दोस्तों क्या होगा, जैसे कोई आपके बच्चे ने फोटो खींचा, दोस्तों उसके सारे फोटो एक ग्रुप के अंदर सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने मिला ग्रुप सिमिलर फेस। ठीक है, अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं उन सभी फोटो को एक ग्रुप में ऐड करना ऑटोमेटिक, ठीक है, आपको दोस्तों इसको कर देना है। अब दोस्तों क्या काम करेगा गूगल फोटोज एप्लीकेशन, दोस्तों फेस को स्कैन कर लेगा और उन सभी फोटो को एक ग्रुप बनाकर रख देगा। ठीक है, जिससे दोस्तों आप उन फोटो को ढूंढने में भी आसानी मिलती है और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस ट्रिक के लिए भी लाइक जरूर कर देना। अब दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड नंबर की ट्रिक। अब दोस्तों इस ट्रिक का काम क्या है, दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप अपने मोबाइल फोन के फोटो को हैक होने से बचा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपके जितने भी फोटो हैं उन सभी फोटो को कोई भी बंदा देख लेता है, जैसे कोई आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है ना, आपके जितने भी इंपोर्टेंट फोटो हैं, वीडियो हैं, वो दोस्तों अपने मोबाइल फोन के अंदर बैठता देखता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी वीडियो ये उसके पास कैसे गई। ठीक है दोस्तों, बहुत से बंदों की क्या होता है, प्राइवेसी वीडियो रहती है, फोटो रहते हैं ना, और वो उनको बंदों को हैक कर लेते हैं वीडियो को। तो आपको दोस्तों चेक करना है कि आपके गूगल फोटोज एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसी मेल आईडी तो नहीं है जिससे क्या हो रहा है आपके फोटो उसके पास जा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, फोटो सेटिंग पर आना है। यहीं पर आपको दोस्तों यहाँ पर शेयरिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आप अपने मोबाइल फोन को हैक होने से बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक प्राइवेसी को लेकर है, लड़कियों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो इसकी ट्रिक के लिए लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आपको दोस्तों पार्टनर शेयरिंग पर आना है। इस पर दोस्तों यहाँ पर यदि आपको कोई ऐसी मेल आईडी दिखती है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, तो समझ लेना दोस्तों कोई भी बंदा आपकी जो भी फोटो वीडियो है उसके मोबाइल फोन के अंदर जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, यदि आप चाहते हैं उन फोटो को वापस मंगाना, ठीक है, जिससे आपकी आईडी हैक ना हो, जितने फोटो हैं वो हैक ना हो, आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिमूव पार्टनर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो ये मेल आईडी है आपके मोबाइल फोन से हट जाएगी और वो फोटो भी वापिस आ जाएंगे। दोस्तों
इस ट्रिक को लगाकर आप अपने मोबाइल फोन को हैक होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड नंबर की ट्रिक। अब दोस्तों इस ट्रिक का काम क्या है, दोस्तों कभी कभी आप बाहर घूमने जाते हैं, वहां पर दोस्तों फोटो को खींचते हैं आप, दोस्तों फिर भूल जाते हैं कि यार ये फोटो मैंने कहाँ पर खींचा। ठीक है, आप दोस्तों भूल जाते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पर थी। अब मैं आपको एक सेटिंग बताऊंगा, वो सेटिंग को ऑन करने के बाद अब जहां पर भी आप फोटो खींचेंगे ना दोस्तों, उस फोटो पर एक लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि ये फोटो मैंने कहां पर खींची थी, वरना कुछ नहीं है, प्राइवेसी पर आना है। यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने मिलेगा लोकेशन ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये फीचर यहाँ पर ऑफ है, इसको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों जब भी आप फोटो खींचेंगे दोस्तों, उस फोटो के अंदर लोकेशन का पता लग जाएगा कि मैंने ये फोटो कहाँ पर खींची थी, ऋषिकेश खींची, शिमला खींची या दिल्ली खींची, उसका पता लगा सकते हो। 10 साल पुरानी फोटो का भी पता लगा सकते हो कि ये फोटो मैंने कहाँ पर खींची थी। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड नंबर की ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक का काम क्या है, दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप अपने दोस्तों, जैसे कोई गर्लफ्रेंड का फोटो है, बॉयफ्रेंड का फोटो है ना, बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए उसको लॉक कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों आप ही पता लगा सकते हैं कि वो फोटो कहाँ पर है और किस तरीके से उसको लॉक करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ गूगल फोटोज एप्लीकेशन की मदद से आप अपने गर्लफ्रेंड के फोटो को लॉक कर सकते हैं या किसी वीडियो को। करना कुछ नहीं है, फोटो पर आना है, यहीं पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिला मूव टू लॉक फोल्डर। ठीक है, अब दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये फोटो है ना आपके लॉक में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपका कोई लॉक फोल्डर है गूगल फोटोज के अंदर, उसमें चला जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, यदि आप चाहते हैं उसको अनलॉक करना, लाइब्रेरी पर आना है, यहीं पर इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर वो फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फिंगरप्रिंट लगा लेना है, जो भी दोस्तों है उस फोटो को आप दोस्तों यहाँ पर लॉक करके रख सकते हैं, किसी वीडियो को कर सकते हैं, कोई फोटो को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यदि आप चाहते हैं इस फोटो को फिर से गैलरी के अंदर मंगाना, तो आपको मूव कर देना है। ठीक है, अब ये फोटो दोस्तों फिर से इस तरीके से ही आपके गूगल फोटोज के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट नंबर की बिल्कुल VIP ट्रिक। दोस्तों यदि आपका मोबाइल फोन हैंग होता है, लैग करता है, ठीक है दोस्तों, आप गूगल फोटोज एप्लीकेशन की मदद से अपने मोबाइल फोन को हैंग होने से बचा सकते हैं। करना डिलीट भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी है, यहीं पर आना है, फ्री पर अप स्पेस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो फ्री अप 90.99 के भी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर कुछ कचरा है ना, वो एकदम से क्लीन हो जाएगा दोस्तों, मोबाइल फोन भी हैंग नहीं होगा और आपके गूगल फोटोज के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका दिन शुभ हो।